बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बख़ैर वाफियत होंगे। आज हम बनाएंगे फ्लार, और बहुत मुनफरद किस्म का। और ये बड़े साइज़ के रिबन में भी बनता है और छोटे साइज़ के रिबन में भी बनता है। पहले मैं 1 इंच साइज़ के रिबन से बनाने लगी हूँ, ताकि जहाँ पर बड़े साइज़ के यानी कि चौड़े साइज़ के रिबन्स अवेलेबल नहीं हैं, उनको उन बहनों को आसानी हो। तो ये मेरे पास मौजूद है 2.5 सेंटीमीटर का चौड़ा रिबन, और इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा है ये और 3 सेंटीमीटर लंबा पीस है ये। ठीक है, ये हमने काट लिया। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से, इसके किनारों को इस तरह गोल करना है, ऐसे दोनों साइडों से। इस तरह से गोल किया ऐसे। अब शुरू होगा लाइटर का काम। ठीक है जी, तो ये लाइटर का काम शुरू हुआ। अभी सबसे पहले हमने इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा जलाते जाना है, और इस तरह से इनको इसको मोड़ना है ऐसे। ये आपको नज़र आया, ये इस तरह से इसके अंदर फ्रिल आ जाएगी। इसके पहले ही इसके को जो ऊपर का सिरा था वो बिल्कुल राउंड था, हमने थोड़ा सा इस तरह से जलाया यूँ, और इसको इस तरह से मोड़ा। तो ये देखें, ये इसके अंदर फ्रिल आनी शुरू हो गई। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप ये करना है कि ये इसका सिरा है, इसको पकड़ के यूँ, ये आपको नज़र आ रहा, ये इसकी एक साइड से यूँ इसको फोल्ड दिया, इसको यहाँ पर इस तरह से चिपका लिया, और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसको इस तरह से। और फिर जो फाइनल शेप होगी वो इस तरह से आपके सामने पत्ती तैयार होगी यो। ठीक है, ठीक इसी तरह से मैंने ये काफ़ी सारी पत्तियाँ तैयार करके रख ली हैं। ठीक है, तो अब हम अपना थर्ड स्टेप शुरू करते हैं। ये है मेरे पास स्टेमंस, ये किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट की शॉप से इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर से मैं ये सिल्वर कलर का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से, दूसरी तरह से भी होते हैं, इस तरह से भी बने हुए होते हैं। तो क्या करेंगे, एक पत्ती को इस तरह से पकड़ेंगे और ग्लू गन से बहुत थोड़ी थोड़ी ग्लू लगानी है, बहुत ज़्यादा भर भर के ग्लू नहीं लगानी है। इस तरह से लगाया और इस तरह से इसको यहाँ पे चिपकाना है, जहाँ से ये ग्रीन पार्ट शुरू हो रहा है, इस तरह से ऐसे, जहाँ से ग्रीन पार्ट शुरू हो रहा है वहाँ पे पत्ती को चिपकाया है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ग्लू लगानी है और उसको इस तरह से अटैच करते जाना है। आपने कोशिश ये करनी है कि जो एक पत्ती का सिरा है वो दूसरी पत्ती के सिरे के ऊपर ओवरलैप हो, इस तरह से। ठीक है, पहली बार में 3 पत्तियों का एक चक्कर मुकम्मल होगा, एक राउंड मुकम्मल होगा। इस तरह से ये देखें, इस तरह से हमने ये तमाम पत्तियाँ। अब जो सेकंड राउंड शुरू होगा वो ये होगा कि ये 2 पत्तियाँ हैं जो इनके सेंटर में, यहाँ पर चौथी पत्ती लगेगी, वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, फिर मैं दूसरा काम मुकम्मल करूँगी। अल्लाह अकबर, इस तरह से ये देखिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप मैं लगाती जा रही हूँ पत्तियाँ इन स्टेमंस के इर्द गिर्द। अब मैं आपको एक बहुत ख़ास बात बताऊँ, आपने जब पत्ती को इसके साथ अटैच करना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो पत्ती का निचला हिस्सा है जहाँ पर आपने ग्लू लगाई है इस तरह से, उसको आपने ग्रीन पार्ट के ऊपर नहीं चिपकाना है, यहाँ पर ग्रीन पार्ट पर नहीं चिपकाना है, बल्कि ये जो वाइट हिस्सा है ना पत्तियाँ, यहाँ पर इनको इस तरह से चिपकाना है। इससे क्या होगा, अगर आप इसको ग्रीन के साथ चिपकाएंगे, इस तरह से ग्रीन के साथ चिपकाएंगे, तो ये जो पत्ती जिस तरह से ये बाहर की तरफ निकली हुई है ना, ये इस तरह से बाहर की तरफ नहीं निकलेगी,
जैसे ये पत्तियाँ बाहर की तरफ इस तरह से जैसे फूल खिल रहा है वैसे लग रहा है। तो अगर आप ग्रीन के साथ चिपकाते जाएंगे तो ये वैसे नहीं लगेगा, इस तरह से इसको वाइट के साथ चिपकाना है ताकि ये फूल भरा भरा सा महसूस हो। इसी तरह से ये लगभग कोई 30 के करीब पत्तियाँ हैं जिनको मैं देखूँगी कि कहाँ कहाँ मुझे ज़रूरत है, तो वहाँ वहाँ मैं इसको इस तरह से चिपकाती रहूँगी गोल सर्कल में। मैं इस तरह से जहाँ जहाँ पर ज़रूरत महसूस हो रही है मैं यहाँ पर पत्तियों को इसको इस तरह से मैंने उल्टा रखा हुआ है और इस तरह से ये देखें मैं ये पत्तियों को लगाती जा रही हूँ, ठीक है। और ये देखें ये हमारा कितना क्यूट सा एक फ्लावर तैयार हो गया, ठीक है, खिला खिला सा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपके दाएं हाथ की जानब आपके मोबाइल स्क्रीन पर रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, उसको टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन नज़र आएगा उसमें ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहेंगी। आपका ताउन आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और याद रखिएगा कि ये काम आपने मुसलसल करते रहना है, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फूल बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। ये कुछ पत्तियाँ बच गई हैं, इनकी मज़ीद मुझे कहीं पर भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, तो ये हमारे पास ये फूल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आप कोई भी फूल अगर आप तैयार करते हैं तो उसके साथ ग्रीन पार्ट ना हो ये तो नहीं हो सकता है, तो ये जो इसका इजाफी है ये हम निकाल देंगे। अब हम बनाएंगे ग्रीन पत्तियाँ, और उसके लिए भी मैं सेम साइज़ का जो मैंने वाइट कलर में साइज़ यूज़ किया था रिबन का वही रिबन यूज़ कर रही हूँ। और एक पत्ती हम इस तरह से करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से, इस पर आप फ्यूजिंग भी लगा सकते हैं और इस तरह से पत्ते भी चिपका सकते हैं। तो मैं ग्रीन कलर का रिबन यूज़ करूँगी 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा, और मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फूल बनकर तैयार है, ठीक है। ये हमारे पास ग्रीन कलर का रिबन है और ये है 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने रखी है 5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब हमने इसको एक पत्ती की तरह से इसका इसकी ये जो पॉइंट है ये मेरे हाथों को ग्लू लगा हुआ है, इसके जो पॉइंट है इसको इस तरह से तीखा कर लेना, पॉइंटेड कर लेना है, जिस तरह से पत्ती की नोक होती है वैसे, ठीक है। अब दोबारा से लाइटर का काम शुरू होगा। इसके भी किनारों को हमने इस तरह से थोड़ी दूरी पर रखते हुए पहले जलाना है और इस तरह से फ़ौरन से इनको इस तरह से ट्विस्ट कर देना है इस तरह से। और ठीक इसी तरह से जिस तरह से हमने वाइट पत्तियों को नीचे से किया था यूं, आप ज़रा एहतियात से कीजिएगा, ये ना हो कि आपका हाथ जल जाए, हमारे हाथ तो इन चीज़ों के आदी हो गए हैं। ये मैंने दो पत्तियां तैयार कर ली इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। आप इसको ग्लू लगाएंगे और यूं इसके नीचे इस तरह से चिपका देंगे यहाँ पे जहाँ पर हमने ये सेंटर में पत्ती लगाई थी। और ये इस तरह, तो ये हमारा फूल बनकर खूबसूरत सा क्यूट सा फूल बनकर तैयार है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।